आज की रेसिपी है भिंडी आलू शिमला मिर्च की रेसिपी, जिसे हमने अच्छे से धोकर काट लिया है। और फ़ौरन के लिए हमें चाहिए अदरक, लहसुन, मिर्च, प्याज, दो टमाटर। टमाटर बाद में डालेंगे। अभी हमने कढ़ाई रख दिया है, गैस चालू कर दिया है, तेल गर्म हो गया है, उसमें जीरा डालेंगे और जो हमने फ़ौरन काटा है उसको डालेंगे। दो मिर्च, अदरक, लहसुन को बारीक काटा है, इसको कूटा नहीं है ना पीसा है, काटा है। अब दो प्याज काटा है, उसको डाल देंगे बारीक। इसको अच्छे से ब्राउन होने तक भुनेंगे। उसके बाद हम भिंडी डालेंगे। अभी इसको 2-3 मिनट भुनेंगे, इसका कच्चापन निकालेंगे। कच्चापन निकलने के बाद हम इसमें भिंडी डाल देंगे। इसको अच्छे से भुनेंगे, हल्का थोड़ा ब्राउन होने तक भिंडी को भुनेंगे। उसके बाद हम अपना शिमला मिर्च डालेंगे। अभी हम इसको 2-3 मिनट भुनेंगे। अब हम शिमला मिर्च और आलू को धो लिया है दोबारा, उसके बाद हम डालेंगे शिमला मिर्च को भिंडी में भुनने के लिए। शिमला मिर्च को डालेंगे। आलू डालेंगे। आलू को डाल दिया हमने। अब उसको अच्छे से भुनेंगे, 5-6 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे। तब तक हम मसालों की तैयारी करते हैं। हमें चाहिए लाल मिर्च, हल्दी और धनिया, जीरा, काली मिर्च को मिक्स कर लेंगे, उसको घोल लेंगे। घोलने के 2-3 मिनट के बाद ही मसाला डालेंगे, पहले घोल लेंगे उसको। अब हमारा भुन चुका है, इसमें थोड़ा नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, जो आप जितना नमक खाते स्वाद अनुसार डालें। अब नमक भूनने के बाद हम इसमें मसाले अपने डालेंगे। अब मसाले को भी अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें टमाटर डाल देंगे अपना, मसाले भी भुनेगा अपना, टमाटर भी गलेगा। इसमें हल्का थोड़ा जो हमने पानी मसाला घोला था ना, वही पानी डालेंगे। इसको अब अच्छे से तेल छोड़ने तक हम भुनेंगे मसाले को। देखिए हमारा 2-3 मिनट भुनने के बाद हमारा मसाले तेल छोड़ दिया है। अब स्टेज पर हम अपना पानी डालेंगे 1 कप। आप जितना जिससे खाना चाहते हैं, वैसे पतला गाढ़ा जैसे खाना चाहते हैं वैसे पानी डाल सकते हैं। हमें रोटी के साथ खाना है इसलिए हमें सूखा रखेंगे। पानी डालने के बाद हम 5-6 मिनट 7 मिनट पकाएंगे, उसके बाद हम अपना सर्व करेंगे। देखिए हमारा सब्जी, सूखा सब्जी तैयार है, खाने में बहुत टेस्टी है। लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़।